हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स की जिन्हें हमें डेली पानी नहीं देना पड़ता है। ये सभी प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें यदि तीन चार दिन क्या, यदि 10-15 दिन भी इन प्लांट्स को पानी नहीं दिया जाए तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। यदि आप कुछ ऐसे प्लांट्स लगाना चाहते हैं जिनमें आपको डेली पानी नहीं देना पड़े, कोई खास केयर नहीं करनी पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हैं। देखिए, पहला प्लांट है यूफोर्बिया मिली। एक ऐसा प्लांट है जिसमें काफ़ी दिन तक भी पानी हम नहीं दें तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। ये देखिए, इसकी ये टॉल वेराइटी है इसकी, यूफोर्बिया मिली की। एक डब वेराइटी भी आती है जिसमें लीव्स और फ्लावर का साइज़ छोटा होता है। ये देखिए, ये येलो कलर का यूफोर्बिया मिली का प्लांट है। येलो कलर थोड़ा कम देखने को मिलता है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और ये यूफोर्बिया मिली की डाब वेराइटी है। देखिए, इसमें जो फ्लावर्स और लीव्स का साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। तो ये प्लांट आप लगा लीजिए, फिर आपको कोई ख़ास इस प्लांट की केयर नहीं करनी पड़ती और पानी भी आप काफ़ी दिन तक नहीं दें तो भी ये अच्छे से सर्वाइव करता है। और इसको आउटडोर ही रखा जाता है, फुल सनलाइट में रखना चाहिए। जितनी अच्छी तेज़ धूप होगी उतना अच्छा ये प्लांट चलता है। देखिए, ये है पॉनीटेल पाम। एक ये प्लांट भी ऐसा है कि जिसको आप लगा लीजिए, फिर आप काफ़ी दिन तक इस प्लांट को पानी नहीं दें तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। देखिए, ये इसका कोडेक्स होता है, इसमें काफ़ी पानी इसका इसमें स्टोर रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और देखिए, इसमें छोटे छोटे इसकी जो स्टेम देखिए, इसमें ये जो छोटे छोटे स्टेम्स होते हैं इनको अलग पॉट में हम लगा सकते हैं। ये इंडोर भी बहुत अच्छे से चलता है क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें एक बार पानी देने के बाद यदि 6-7 दिन पानी इसको नहीं दिया जाए तो ये अच्छे से सर्वाइव करता है और बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए, नेक्स्ट प्लांट है बेबी सनरोज़। बेबी सनरोज़ भी एक ऐसा प्लांट है, ये हालांकि फुल सनलाइट में रखना चाहिए, आउटडोर का प्लांट है, लेकिन इस प्लांट में आप एक बार पानी देके इसे 10-12 दिन तक भी पानी नहीं देंगे तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। इसके देखिए, लीव्स में ये पानी स्टोर्ड रहता है। वाइट कलर के वो रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें, रेड, मजेंटा, काफ़ी कलर के फ्लावर्स इसमें आते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और जब खाली इसकी जो लीव्स होते हैं वो भी वैक्स कोटेड सी मोटी मोटी बहुत खूबसूरत लगती हैं, और जब इसमें ये फ्लावर आते हैं छोटे छोटे तो ये और भी खूबसूरत लगता है। देखिए, विंटर्स में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती और फरवरी लास्ट या मार्च से इसमें स्टार्टिंग हो जाती है फ्लावर्स, और फिर इसमें अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत सुंदर लगता है। तो बेबी सनरोज़ भी आप ज़रूर लगाइए क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है एकदम लो मेंटेनेंस। देखिए, नेक्स्ट प्लांट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की ये जिसकी बॉर्डर पे येलो कलर की ये लाइनिंग होती है वो वाला प्लांट है। टॉल वेराइटी है स्नेक प्लांट की, और एक होती है जो टॉल वेराइटी ग्रीन कलर की होती है जिसकी जो लीव्स होती हैं उसके जो बॉर्डर पे येलो कलर का बॉर्डर नहीं होता। इसी की दोनों की येलो बॉर्डर वाली और जो प्लेन ग्रीन की डा वेराइटी भी होती है। तो स्नेक प्लांट की जो टॉल वेराइटी, डा वेराइटी, सभी वेराइटी ऐसी होती हैं जिसमें आप एक बार पानी दे के काफ़ी दिन तक पानी नहीं देंगे तो भी बहुत अच्छे से ये प्लांट सर्वाइव करते हैं। एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं। स्नेक प्लांट भी इंडोर भी आप रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। ये मेरा देखिए इंडोर रखा हुआ प्लांट है और कम से कम 10 या 15 दिन में मैं एक बार पानी इन प्लांट्स में देती हूँ और देखिए कितने अच्छे हेल्दी हो रहे हैं। और स्नेक प्लांट में देखिए, एक प्लांट आप लगाइए फिर उसके नीचे से काफ़ी प्लांट निकल आते हैं जिन्हें सेपरेट करके आप अलग अलग प्लांट इनसे तैयार कर सकते हैं। ये एक बेस्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी होता है। तो एक इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए, कोई ख़ास केयर इस प्लांट की नहीं करनी पड़ती। एक बार लगा लीजिए फिर एक से काफ़ी सारे प्लांट भी तैयार हो जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्लांट है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट एक अच्छा इंडोर प्लांट है। यदि ये इंडोर आप चाहे थोड़ा डार्क प्लेस में रखें या जहाँ इनडायरेक्ट लाइट आती हो वहाँ रखें, बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और ये प्लांट ऐसा होता है जिसमें आप 1 महीने तक भी पानी नहीं देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो जीजी प्लांट तो ऐसा प्लांट है कि एक बार लगा के आप फिर भूल जाइए, बस कोई ख़ास फर्टिलाइज़र या डेली पानी की रिक्वायरमेंट इस प्लांट को नहीं होती। और इस देखिए, जो ये इसके लीव्स होती हैं ग्रीन कलर के और वैक्स कोटेड सी, बहुत खूबसूरत ये लगती है। देखिए कितनी शाइनिंग ग्लॉसी इसकी ये लीव्स होती हैं। ये बल्ब या राइजोम से ग्रो होता है। एक बार एक प्लांट आप ले आइए,
फिर उसके नीचे से काफ़ी बल्ब निकल आते हैं, जैसे सेपरेट करके आप अलग अलग प्लांट तैयार कर सकते हैं। जीजी प्लांट एक सिंगल लीफ से भी इजीली प्रोपोगेट किया जा सकता है। तो जीजी प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जिसे एक बार लगा के बस एक बार लगा लीजिए, फिर कोई ख़ास पानी या फर्टिलाइज़र वगैरह की इस प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लीव्स होती हैं, बड़ी शाइनिंग वाली और बहुत सुंदर होती है। देखिए नेक्स्ट प्लांट है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा भी एक ऐसा प्लांट है जिसमें 8-10 दिन में एक बार आप पानी दें तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है, इसे वैलेंटाइन एग्लोनिमा भी कहते हैं। एग्लोनिमा की काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं। एक ग्रीन वेराइटी होती है एग्लोनिमा की, वो काफ़ी हार्डी होती है, और ये वाला जो एग्लोनिमा होता है लिपस्टिक एग्लोनिमा, ये थोड़ा डेलिकेट होता है। इसको आप फुल सनलाइट में नहीं रखिए, ये तो मेरे प्लांट इंडोर रखे हुए हैं। यदि आप इसको आउटडोर रख रहे हैं तो सेमी शेड वगैरह में रखिए, जहाँ सिर्फ 1-2 घंटे की धूप आती हो। समर में ये अच्छे से ग्रोथ करता है, विंटर में भी ये ग्रोथ करता है विंटर्स में, पर इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। वैसे भी एग्लोनिमा की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी स्लो होती है, धीरे धीरे ये बढ़ता है। और एग्लोनिमा बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसके कलरफुल जो लीव्स होते हैं वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये भी एक ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। यदि इंडोर आप इसको रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखिए जहाँ ब्राइट लाइट आती हो। एग्लोनिमा भी एक ऐसा प्लांट है जिसे सिंगल लीव से भी प्रोपोगेट किया जा सकता है। तो ये जो लिपस्टिक एग्लोनिमा है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ये 150 से लेकिन बाकी साइज़ के अकॉर्डिंग इसका प्राइस बढ़ता जाता है, 200-250 तक का ये मिल जाता है। जबकि जो इसकी एग्लोनिमा की ग्रीन वैरायटी होती है वो 50 रुपीज़ तक नर्सरी में मिल जाती है। तो यदि आप ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं जिसकी डेली आपको केयर नहीं करनी पड़े, कोई ख़ास फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं देना पड़े, तो एग्लोनिमा का प्लांट आप ज़रूर लगाइए। बहुत खूबसूरत ये इसकी लीव्स होती हैं, एकदम कलरफुल, बहुत सुंदर लगता है। बस इसकी लीव्स को आप कॉटन कपड़े से वाइप करते रहिए। देखिए नेक्स्ट प्लांट है जेड प्लांट। जेड प्लांट जो होता है, जेड प्लांट ये भी बहुत एक ऐसा लो मेंटेनेंस प्लांट होता है जिसे आप 5-6 दिन भी पानी नहीं दें तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। पर हाँ, ये आउटडोर का प्लांट है, इसे फुल सनलाइट में रखना चाहिए। यदि आप इसको इंडोर रखेंगे तो इसकी जो सारी लीव्स हैं ये झड़ जाती हैं। और देखिए जेड प्लांट से तो आप बोनसाई बना सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं, टोपियारी बना सकते हैं, और बहुत सुंदर लगता है। इसकी छोटी छोटी लीव्स होती हैं, ये भी सेक्युलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, इसलिए इसमें पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है। देखिए ये मैंने जेड प्लांट से टोपियारी बनाई हुई है, कितनी हेल्दी हो रही है। और इसकी देखिए ये समर में बहुत तेज़ी से फैलता है, तो कितनी अच्छे से देखिए इसमें ग्रोथ हो रही है। एक्चुअली टोपियारी की टाइम टाइम पे कटिंग करते रहना चाहिए जिससे इसकी जो शेप है वो मेंटेन रहती है। देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो जेड प्लांट की खासियत ये होती है कि इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जिगजैग की शेप दे सकते हैं, पिकॉक बना सकते हैं, राउंड टोपियारी, बोनसाई, कोई भी शेप आप इस प्लांट को दे सकते हैं। इसलिए मेरा ये बड़ा फेवरेट प्लांट है और बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है इस प्लांट को, क्योंकि इसके लीव्स में जो है पानी स्टोर रहता है। ज़्यादा पानी से ये प्लांट गल जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि इस प्लांट को कम ही पानी देना है। तो यदि आप ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं कि एक बार लगा दें फिर कोई ख़ास केयर नहीं करनी, डेली पानी ना देना पड़े, तो इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। तो देखिए ये सभी प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें हम काफ़ी दिन पानी नहीं दे तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और कोई ख़ास फर्टिलाइज़र भी इन प्लांट्स को नहीं चाहिए होता है, और कोई पेस्ट वगैरह का अटैक भी इन प्लांट्स में नहीं होता है। एकदम इजी टू ग्रो और लो मेंटेनेंस ये सभी प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स लगाइए, अपने घर को सुंदर बनाइए। और जब हम घर में प्लांट्स लगाते हैं तो एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक अजीब सा सुकून मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।